प्रधानमंत्री मोदी कल अयोध्या के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वे अयोध्या धाम, रेलवे स्टेशन और महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही वंदे भारत और देश की पहली अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले अयोध्या में अयोध्या धाम, रेलवे स्टेशन और महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीर भी सामने आई है। एयरपोर्ट की दीवार पर भव्य भगवान राम के जीवन काल के ऐतिहासिक क्षणों की तस्वीरों को भव्य तरीके से उकेरा गया है। आप देख सकते हैं ये नया एयरपोर्ट और नए तरीके से रेलवे स्टेशन जो है अयोध्या धाम जंक्शन जिसे नाम दिया गया है वो तैयार किया गया, और कितना भव्य ये रेलवे स्टेशन नजर आ रहा है और अयोध्या का एयरपोर्ट जो बनकर अब पूरी तरीके से तैयार है और नई साज सज्जा यहाँ पर की गई है। और जब यहाँ पर लोग पहुँचेंगे, अयोध्या धाम जब पहुँचेंगे, तो उन्हें यहीं से एहसास हो जाएगा कि वे प्रभु श्री राम की नगरी में आए हुए हैं। अलग अलग कलाकृतियों का चित्रांकन यहाँ पर किया गया है, चाहे एयरपोर्ट की बात करें या फिर अयोध्या धाम जंक्शन की बात की जाए। और अब आपको बिहार से आई एक बेहद दिलचस्प तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर ट्रक से ले जाया जा रहा प्लेन फ्लाईओवर के नीचे फंस गया। यह तस्वीर मोतिहारी जिले के पिपराकोठी इलाके की है। फ्लाईओवर के नीचे प्लेन के फंसने के बाद सड़क पर यातायात प्रभावित हो गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि प्लेन कैसे फंस गया। अब मुश्किल आ गई, पहली बात तो सड़क पर प्लेन नजर आया और बड़ी मुश्किल से फेरे से इस तरीके से निकाला गया। मोतिहारी की खबर है ये, और मोतिहारी ज़िले की घटना है, जहां पर फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे से जब ट्रक ले जाया जा रहा था तो उसके ऊपर प्लेन रखा हुआ था और प्लेन इस तरीके से ये फंस गया। यहां पर इसे देखने वालों का मजमा भी लग गया। मोतिहारी की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, फ्लाईओवर के नीचे कैसे ये पूरा प्लेन जो है ये फंस गया। दरअसल इसे ले जाया जा रहा था, ट्रक पर रख कर इसे ले जाया जा रहा था और ये फंस गया। इसके बाद काफ़ी मशक्क़त के बाद इसे हालांकि निकाल लिया गया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं तूफान की वजह से लंदन में रनवे पर लैंड कर रहे प्लेन के लड़खड़ाने का डरावना वीडियो। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर तूफान के बीच फंसे एक विमान की लैंडिंग के वक्त डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है। देखिए कितना खतरनाक ये वीडियो है, कैसे ये प्लेन नीचे उतर रहा है, जिसमें तूफान में फंसकर बुरी तरह से ये लड़खड़ाता हुआ भी नजर आता है। देखिए कितना ये लड़खड़ा रहा है, डगमगा रहा है, और अंदर बैठे यात्रियों की क्या हालत हो रही होगी ये समझा जा सकता है। पहले लैंड करता है, उसके बाद फिर आगे का हिस्सा फिर से उठता है, फिर वापस नीचे होता है, और पायलट ने लेकिन आखिरकार इस प्लेन को नीचे उतार ही दिया। वहाँ इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि भारी भरकम प्लेन को भी संभाला जा सका, और लैंडिंग के दौरान ये लड़खड़ाने लगा। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें काफ़ी देर तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। देखिए ये इसमें, और जैसे ही नीचे लैंडिंग की बारी आती है तब बिल्कुल विमान जो है वो बैलेंस से बाहर हो जाता है, नियंत्रण से बाहर हो जाता है कुछ देर के लिए, लेकिन इसके बाद आखिरकार इसे नीचे उतार लिया गया। वीडियो में पहले वो बड़े प्लेन जो है बड़े आराम से लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन जैसे ही रनवे के करीब पहुंचा अचानक हवा में वो हिचकोले खाने लगता है। ताकतवर तूफान की वजह से प्लेन हवा में ऐसे लहरा रहा था जैसे कोई कागज का खिलौना हो या कोई उस प्लेन में रस्सी बांधकर उसे जोर जोर से हिला रहा हो। इस दौरान उस प्लेन में बैठे लोगों की जान हलक में अटक गई। हालांकि कुछ देर तक हवा में लड़खड़ाने के बाद प्लेन आखिरकार रनवे पर सही सलामत लैंड हुआ, लेकिन प्लेन के हवा में हिचकोले खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भोपाल की बात करते हैं, जहां पर स्कूल में बड़ा हादसा टल गया। मामला शाहजहानाबाद के सरकारी स्कूल का, जहां पर स्कूल की छत का प्लास्टर गिर गया। घटना के वक्त क्लास में 20 बच्चे और टीचर भी थे। गनीमत रही कि हादसे में किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। घटना की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है।
के शाहजहानाबाद इलाके स्थित एक सरकारी स्कूल में बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल इस स्कूल में क्लासरूम की छत गिरने की जो घटना है वो सामने आई है और आप यहाँ पे तस्वीर में देख सकते हैं कि जो प्लास्टर था छत का वो यहाँ पर गिर गया। लंबे समय से इसकी मरम्मत नहीं हुई थी। दीवार पर जो सीड़न है वो भी यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है, नजर आ सकती है और संभवतः इसी वजह से इस क्लास की जो छत है वो कमजोर हुई होगी। जब ये पूरा हादसा हुआ उस दौरान यहाँ पर 20 बच्चे बैठे हुए थे और आप ये देख सकते हैं कि जो प्लास्टर है ये कितना मोटा प्लास्टर है और ये ऊपर से गिरा। अच्छी बात यह रही कि कोई भी बच्चा इस पूरे हादसे में गंभीर रूप से घायल नहीं है। हालांकि ये जरूर बताया जा रहा है कि जो टीचर थे उनको थोड़ी सी चोट आई है, कुछ बच्चे मामूली चोट उनको आने की संभावना जो है वो कहीं ना कहीं व्यक्त की जा रही है। और आप ये मलबा देख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, मौके का मुआयना कर रहे हैं और उनसे सीधे समझने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो पूरा हादसा हुआ है आप क्या कुछ जांच कमेटी वगैरह आप लोग गठित करेंगे? हाँ, मैं इसकी इंक्वायरी कराऊंगा और इसमें जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध जरूर कार्रवाई करूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा तो ईश्वर को मैं ये धन्यवाद देता हूँ कि आज किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, बच्चे हमारे सब स्वस्थ हैं। मामूली खरोंच आई हुई तो प्राथमिक ट्रीटमेंट के मिले भेजा है एक टीचर और एक बच्चा, इसके अलावा कुछ नहीं। सर, कुछ पहले से अगर क्षतिग्रस्त थी तो प्रथम दृष्टया ये समझ में आया सर क्या वजह रही होगी? मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि ये नमी का मेन कारण है। नमी होने के कारण सीमेंट से सरिया को छोड़ दिया और जो सीमेंट की लेयर थी वो नीचे आ गिरी। देखिए, यही कारण बताया जा रहा है, जो मॉइस्चर था, जो नमी थी, उसके चलते जो छत है वो थोड़ी सी कमजोर हो गई और नीचे गिर गई। हालांकि अब शिक्षा विभाग इस पूरे मामले को लेकर एक कमेटी बनाएगा, कमेटी बनाकर जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेंगर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। छतरपुर में दुकानदार से मारपीट की गई है और दुकानदार का अपहरण कर मारपीट की वारदात की गई। आरोपियों ने बाइक से बांधकर उसे घसीटा भी है और पुरानी रंजिश में यह मारपीट की घटना हुई है। 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है पुलिस के द्वारा, अब इनकी तलाश पुलिस करने में जुटी हुई है। बुरहानपुर से खबर है जहां के आदिवासी गांव झेरपांझरिया के ग्रामीणों ने आदिवासी लोक संस्कृति को कायम रखने के लिए गांव के हित में नई पहल की है। ग्रामीणों ने गांव में कानफोड़ू डीजे यंत्रों को बजाने पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए ग्रामीणों ने ग्राम सभा में बैठक की और डीजे को बंद करने का फैसला कर लिया। इसके बाद गांव में एक शादी रचाई गई जिसमें मधुर लोक गीत गाकर, लोक नृत्य कर पुराने रीति रिवाजों के बीच विवाह संपन्न हुआ। ग्रामीण कह रहे हैं कि डीजे के चक्कर में ग्रामीण लोक संस्कृति और रीति रिवाजों को लोग भूलते जा रहे हैं, इन्हें कायम रखने के लिए ये पहल की गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार डीजे बंद करवाए, उसकी थोड़ी सी पहल हम भी शुरुआत किए ग्राम पंचायत झेरपांझरे में, डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाए। हमारे जैसे डीजे के वजह से हमारे पुरानी रीति रिवाज हम भूलते जा रहे हैं, तो मैं इसे ऐसे शुरुआत कर रहे हैं कि हमारी पुरानी रीति रिवाज सही तरीके से हो सके। इस संबंध में हम ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किया और जो भी यदि डीजे बजाते हैं तो उसके तरफ कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, ग्राम सभा द्वारा भी कार्रवाई की जाएगी। और बात न्यूज 18 के खबर के असर की करते हैं तो मंडला में न्यूज 18 के खबर का असर हुआ है, बड़ा असर हुआ है। बसों का रियलिटी चेक करने के बाद जिला परिवहन अधिकारियों ने वाहनों की जांच की है। परिवहन विभाग ने ग्रामीण इलाकों में वाहन चेकिंग अभियान चला रखा था। इस दौरान 2 वाहनों को बिना परमिट और फिटनेस के दौड़ते पाया गया जिस पर इन्हें जब्त किया गया। विभाग ने 7 वाहनों पर चालानी कार्रवाई भी की और इनसे 21,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। गुना जिले में यात्री बस के हादसे के बाद शिवपुर जिले में भी यात्री वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी गई है। बीते 2 दिनों के भीतर दर्जन भर से ज्यादा यात्री वाहनों से करीब 2 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया जा चुका है और जो खामियां हैं उन्हें पूरी करने के लिए सख्त निर्देश वाहन संचालकों को दिए जा रहे हैं। कोतवाली और ट्रैफिक थाना पुलिस ने शुक्रवार को शिवपुरी हाईवे पर
चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान दो गाड़ियों पर जुर्माना लगाया गया। यातायात पुलिस ने चार बाइकों पर भी जुर्माना लगाया। गुना में भीषण हादसे के बाद बैतूल में भी यात्री बसों की सघन जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। यातायात पुलिस ने एक ही दिन में 50 से ज्यादा यात्री बसों की जांच की, जिनमें से ज्यादातर बसों में खामियां पाई गई हैं। आमतौर पर बसों में फिटनेस प्रमाण पत्र, अग्निशमन यंत्र, बीमा, फर्स्ट एड किट होना जरूरी है। साथ ही ओवरलोडिंग भी एक अपराध ही है। बैतूल का बड़ा क्षेत्र ग्रामीण अंचल में है और यात्री बसें इतने दुर्गम इलाकों में जाती हैं, लेकिन अधिकतर बसों की हालत खस्ता है। बस ऑपरेटर्स का कहना है कि यातायात पुलिस केवल बड़ी दुर्घटनाओं के बाद जागती है और जो नियम अनुसार बसें चला रहे हैं उन्हें भी निशाना बनाती है। चेकिंग करेंगे और बसों में फिटनेस परमिट और आग बुझाने वाले यंत्र कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो चेक करना है। प्लस इमरजेंसी डोर जो बसों में है उनको चेक करना है कि वो ओपन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसी तातब में हम लोग जो है सघनता से बसों की चेकिंग कर रहे हैं। हालांकि हम डेली रूटीन चेकिंग करते हैं, लगातार हम लोग चेकिंग करते रहते हैं। जब भी कोई घटना हो जाती है उसके बाद प्रशासन इन बातों के लिए चेकता है। समय समय पर अगर इन सब बातों की चेकिंग होते रहे तो निश्चित ही होते रहे तो ये सारी चीज़ें होती है। जो बस की दुर्घटना हुई उसमें परमिट नहीं था, फिटनेस नहीं था। अब क्या हो रहा है कि जिन गाड़ियों के पास में कागज़ पूरे हैं उन पे भी रोक करके एक चालानी कार्रवाई करी जा रही है। गुना में हुए बस हादसे के बाद टीकमगढ़ का प्रशासन कोई सबक नहीं सीख रहा। यहां पर अब भी सड़कों पर बेहद खस्ता हाल बसें दौड़ रही हैं। ये तस्वीरें टीकमगढ़ बस स्टैंड की, जहां पर खड़ी कई बसें बेहद खराब स्थिति में हैं, लेकिन ये बसें अब भी सड़कों पर बेरोक टोक दौड़ रही हैं। खंडवा अग्निकांड में अपडेट आपको बता देते हैं। मलबे से अब भी सिलेंडर निकल रहे हैं। बता दें कि आग बुझाने के बाद यहां पर इमारत जो है उसे गिरा दिया गया था, वरना कभी भी हादसे का सबब बन सकती थी। गैस रिफिलिंग की मशीनें भी यहां से निकली है मलबे में से। और तो और ये भी पता चला है कि आरोपी ने घर के नीचे ही एक तहखाना बना रखा था। पुलिस और खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी। अवैध गैस के गोदाम में दरअसल आग लगी थी और आग लगने के बाद यहां पर बड़ा हादसा सामने आया था। एक के बाद एक गैस सिलेंडर फटते चले गए थे। और इधर हरदा जिले में हुए दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने 6 आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। यह मामला हरदा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के दूध डेयरी इलाके का है, जहां पर 18 दिसंबर 2018 को हथियारबंद लोगों ने पिता और पुत्र दोनों की हत्या कर दी थी। यह हत्या मामूली विवाद में हुई थी। जगदलपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर नक्सलियों के विस्फोटक का जखीरा बरामद किया गया। विस्फोटक और घातक हथियार यहां से बरामद किए गए हैं। नक्सलियों ने जंगल में इस विस्फोटक जखीरे को छिपा कर रखा था। 142 बीएसएफ बटालियन ने कार्रवाई अंजाम दी है। मलकानगिरी के काली मेला इलाके की घटनाएं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला ब्रेक के उस पार जारी रहेगा।